हेलो गाइस, मैं इस तरह का ग्रीन एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें। चलिए वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल फ़ोटो को लाए, देख सकते हैं गाइस, मैं अपना नॉर्मल फ़ोटो को लाया। सबसे पहले आए आप एडिट ऑप्शन में। एडिट ऑप्शन में आने के बाद ये लाइट और लाइट वाला ऑप्शन दिख रहा है। ये लाइट ऑप्शन में आए लाइट ऑप्शन में आने के बाद इसे बढ़ा दीजिए, हाईलाइट को कम कर दीजिए, शेडो को भी कम, वाइट को बढ़ा दीजिए, ब्लैक को कम कीजिए। इतना करने के बाद आपको कलर टूल दिख रहा है, इसमें आइए। इसमें आने के बाद कलर में आइए। कलर में आने के बाद तीसरा ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ आने के बाद ऊपर वाला को आप बढ़ा दीजिए और नीचे वाला को, और तीसरा वाला को भी। इतना करने के बाद आपको चौथा ऑप्शन में आना है। चौथा ऑप्शन में आने के बाद इसे भी बढ़ा देना है। शुरू वाला को माइनस करना है, दूसरा वाला को प्लस, और तीसरा वाला को भी प्लस 30 करना है। इतना करने के बाद आप आ जाए पांचवा ऑप्शन में। अब इसे बढ़ा दीजिए सबको, ये तीनों को अब बढ़ा दीजिए। इतना करने के बाद यहाँ से कीजिए डन। आप आ जाइए ये वाला ऑप्शन इफेक्ट में। इफेक्ट में आने के बाद ब्राइटनेस हल्का कम, इसको मैं इसको भी कम, प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस। इतना करने के बाद आप फिर से आ जाए कलर टूल में, और ये वाला ऑप्शन में ये अब दूसरा ऑप्शन को यूज नहीं किए थे। इसमें आने के बाद तीसरा ऑप्शन को बढ़ा देना, देख सकते हैं फेस का लाइट कैसा बढ़ रहा है। बढ़ा दीजिए अपना हिसाब से रखिएगा। इतना करने के बाद यहाँ से कीजिए डन। डन करने के बाद ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आने के बाद तीनों को बढ़ा देना है। उसके बाद फोटो देख सकते हैं पूरा स्मूथ। बिफोर एंड आफ्टर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी और शेयर भी।